मैं नीलेश आज किसी वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एयरटेल थैंक्स यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक में आप कैसे पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे नहीं है तो आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का उपयोग करके अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे डाल सकते हैं या फिर कैसे ऐड मनी करेंगे वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं आपको क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी कि आप बड़ी आसानी से अपने एयरटेल थैंक्स में पैसे ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है, सिंपली आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने इसका ऐसा पेज ओपन हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे अगर आपने अभी तक एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया तो आप प्ले स्टोर में जाके बड़ी आसानी से एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। उससे होता क्या है दोस्तों, आपके जो भी मतलब फीचर्स मिस रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा, हो सकता है आपके मोबाइल में ना आए तो आप अपडेट करिएगा, वो सभी फीचर फिर ऑप्शन फिर सभी आ जाएंगे। अब देखिए आपको अपने अकाउंट में पैसे ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक वैलेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर आप यहाँ पर नीचे बैंक में क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर फिर ऐड मनी का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप जितने रुपये ऐड करना चाहते हैं वो रुपये यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए 100 रुपये करने हैं, 1000 करने हैं, आप जैसे 1100 कुछ भी डाल सकते हैं, फिर आप सही के निशान में क्लिक करेंगे। आप जब सही के निशान में क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है आप उससे यहाँ पर पैसे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यू कार्ड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर एटीएम कार्ड का पूरा नंबर डालेंगे, यहाँ पर किन के नाम से एटीएम कार्ड है वो आपको डालना होगा, यहाँ पर एटीएम का एक्सपायरी डेट डालना है और यहाँ पर सीवीवी नंबर डालना है। सीवीवी नंबर होता क्या है, आपके एटीएम कार्ड के दूसरी साइड यानी कि बैक साइड में पीछे साइड में यहाँ पर 3 अंक लिखे होते हैं, आपको उन 3 अंकों को यहाँ पर डालना होगा, फिर आपको नीचे यहाँ पर पेन आउ में क्लिक करना होगा। आप जैसे पेन आउ में क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा जो आपका एटीएम के साथ रजिस्टर्ड है, फिर उस ओटीपी को डालेंगे आपके पैसे बड़ी आसानी से एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल थैंक्स में ऐड हो जाएंगे, फिर आप रिचार्ज कर पाएंगे और अच्छे खासे कुछ पैसे भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं अगर आपके पास पेटीएम है या फिर मान लीजिए गूगल पे है, फोन पे है, कुछ भी है, अगर आपको उससे पैसे ऐड करने हैं उसके लिए आपको यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन दिखाई देता है, आप यहाँ पर सिलेक्ट ऐप में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर अगर गूगल पे से पैसे ऐड करना चाहते हैं आप गूगल पे में पे नाउ में क्लिक करेंगे, अगर आप फ़ोनपे से चाहते हैं आप फ़ोनपे में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम फ़ोनपे में क्लिक करेंगे, हम जैसे ही फ़ोनपे में क्लिक करेंगे होता क्या है, हमें ये एप्लीकेशन डायरेक्ट फ़ोनपे के अंदर भेज देगा और वहाँ से हमें पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। देख रहे हैं कि 100 रुपये हमारे एयरटेल पेमेंट बैंक में ऐड के लिए यहाँ पर आ गया है रिक्वेस्ट, तो हमें यहाँ पर सेंड में नीचे क्लिक करना होगा और सेंड में क्लिक करके यूपीआई पिन डालेंगे। और दोस्तों हम यूपीआई पिन डाल दिए हैं, अब देखिए हमारे सामने मैसेज अभी आ चुका है और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि हमारे अकाउंट में जो पैसे थे वो ऐड हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे अकाउंट में एक मैसेज भी आ चुका है कि हमारे अकाउंट में यहाँ पर 100 रुपये ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी आसानी से, उम्मीद करते हैं आप भी समझ गए होंगे कि आप कैसे पैसे ऐड कर सकते हैं।